बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और मैं इसमें उर्द्राम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित थे और आप काफी ज्यादा सक्रिय हैं, साथ ही आप अगर पंजाब से आते हैं तो आप लोगों ने नाम अच्छे तरीके से सुना होगा पूनम कांगड़ा का। पूनम कांगड़ा पंजाब के अंदर कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती है और आपको बता दें कि SC आयोग जो है पंजाब का उसकी सदस्य है। पूनम कांगड़ा की फेसबुक आईडी पर अगर आप देखेंगे तो पूनम कांगड़ा जो है पंजाब के अंदर दलितों पर होने वाले उत्पीड़न के मामले में काफी ज्यादा सक्रिय रहती है। उनके फेसबुक आईडी पर इस तरीके के काफी ज्यादा पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें वो दलित पीड़ित जो अत्याचार होते हैं उन घटनाक्रम में उनके पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात करती है। लेकिन अब खुद पूनम कांगड़ा पर आपको बता दें कि मुसीबत आ चुकी है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ना केवल पूनम कांगड़ा को बल्कि उनके पति और उनके बेटों को भी इसके अंदर गिरफ्तार कर लिया और दो बेटे उनके फरार चल रहे हैं। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि पूनम कांगड़ा के एक बेटे पर यह आरोप है कि उन्होंने एक लड़की से भगाकर शादी की, अपहरण किया और भगाकर शादी के झांसे में लेकर अपहरण करके भाग गया था। और इस हादसे के अंदर जो लड़की का पिता था उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले को लेकर जो पीड़ित जो लड़की के परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से पूनम कांगड़ा और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें पूनम कांगड़ा और उनके पति दर्शन कांगड़ा और उनके बेटे विकास दीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि पूनम कांगड़ा के बेटे विकास दीप पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 जून को एक लड़की को भगाकर शादी कर ली थी, अपहरण करके ले गया था और जिसके चलते लड़की के पिता ने आपको बता दें कि आत्महत्या कर ली थी, जहर खाकर जान देती थी। और इस मामले के अंदर पूनम कांगड़ा और उनके पति सहित उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोग अभी तक भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद पूनम कांगड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहाँ से न्यायालय ने उनको जेल में भेज दिया है। पूनम कांगड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के काफी सक्रिय नेताओं में से मानी जाती है पंजाब के अंदर। और आपको जानकारी दे कि पूनम कांगड़ा SC ST पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बुलंद आवाज करती नजर आती है। पूनम कांगड़ा और जो पीड़ित जो लड़की है उसके बेटे के बीच में काफी ज्यादा आपको बता दें कि पहले से ही सब कुछ बातें चल रही थी। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि पूनम कांगड़ा के बेटे विकास देव और जो जिस लड़की को भगाने का आरोप है उनके बीच काफी दिनों से सब कुछ चल रहा था। लड़की के पिता और उन जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से रजामंदी नहीं थी तो लड़के और लड़की दोनों ने यहां से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था जिसका आरोप है। और उसके नाराजगी के चलते आपको बता दें कि लड़की के पिता ने खुदकुशी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और इस मामले के अंदर उनके जो पीड़ित जो लड़की के पक्ष है उनके परिवार वालों ने आपको बता दें कि लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जिनके चलते इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। मिलेंगे इस वीडियो और नए अपडेटों के साथ। अब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको